हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 12 का जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, क्लास 12 का जो जेनेटिक्स चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की ज्यादा संभावना होती है यहाँ से, मतलब वेटेज, हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, आपको मेडिकल एग्जाम, नीट एग्जाम दीजिएगा तो उसमें भी क्वेश्चन आने के एकदम एग्जैक्टली दो से तीन क्वेश्चन एकदम श्योर है कि आते ही आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप लोग इससे पहले कभी जेनेटिक्स पढ़े होंगे तो वो 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां आपको एक चीज देखते होंगे कि कहां टी ये आर आर इस तरह का कुछ आता होगा, टी आर, और आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये टी क्या है, ये आर क्या है। आप कंफ्यूज अब नहीं होंगे क्योंकि इस बार मैं आपको एकदम बिल्कुल अलग अंदाज में मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले जेनेटिक्स है क्या, ये बात हम लोग को समझनी है कि जेनेटिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक है, जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स एक्चुअल में है क्या। देखो, कोई भी चीज को समझने के लिए जब तक उसकी बेसिक बातों को नहीं समझिएगा, आखिर एक्चुअल में हम पढ़ क्यों रहे हैं जेनेटिक्स, क्या वजह है, तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हम छोटे से संक्षेप में एक बात बताएं तो हमारे बॉडी में जेनेटिक्स का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में क्रोमोजोम कैसे हैं, जीन्स क्या है, ठीक, कैसे उसका एक्सप्रेशन होता है कैरेक्टर का, वो कौन से कैरेक्टर होते हैं जो फादर से ऑफिस विंग में जाते हैं, फादर मदर से ऑफिस विंग, मतलब पेरेंट्स ऑफिस विंग में जाते हैं। सिंपल सा चीज अगर कहा जाए तो हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स ये डील हमें समझाता है कि अगर किसी दो पेरेंट्स किसी के लंबे हैं तो उनके बच्चे कैसे होंगे, लंबे होंगे कि छोटे होंगे, अगर किसी के पेरेंट्स का मदर और फादर का कलर अगर डार्क है या लाइट है तो उसके बच्चे के कलर कैसा होगा, ये सब हम लोग को कौन समझाता है, जेनेटिक्स। अगर फादर मदर का आई का कलर क्या है, आई का कलर अगर ब्लैक है ब्लू है तो बच्चे का कलर क्या होगा, ये सारा चीज दिखाता है जेनेटिक्स। उसके बाद क्या आता है कि जेनेटिक्स हमें क्या बताता है, कोई हमारे फैमिली में अगर कोई जेनेटिकली डिजीज चल रहा है तो वो जेनेटिकल डिजीज कैसे कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये भी हमें कौन बताएगा, जेनेटिक्स बताएगा। ठीक, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा वो क्या है, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में क्या होता है कि फादर मदर का अगर ब्लड ग्रुप पता है तो आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि उनके चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है। देखो, यही सब है, ये जेनेटिक्स में है, सिंड्रोम पढ़ेंगे, डिजीज पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक, अब सिर्फ ध्यान से देखिए, लेक्चर सारे देखिए, कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये समझने में दिक्कत हो रहा है, किसी भी तरह का बताइए। ठीक, कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज जेनेटिक्स। सबसे पहले जो भी आज बताऊंगा वो एकदम बेसिक बातें होंगी, सबको ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है। देखो, जेनेटिक्स है क्या, तो सबसे पहले हम लोग जान लीजिए, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स वेरिएशन। ठीक, ये बात आता है, कहता है क्या कि जेनेटिक्स क्या है, तो जहां बायोलॉजी का वो ब्रांच, यहां पे हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किस चीज के बारे में, हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर अब बता दीजिए कि हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। ठीक, तो चलिए हम लोग हेरिडिटी बताते हैं। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी को करते हैं हम लोग हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। कहता क्या है, हेरिडिटी क्या होता है कि कैरेक्टर का ट्रांसफर होना कहां से कहां, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, इसी को तो हेरिडिटी करते हैं। कहने का मतलब आखिर कौन से कैरेक्टर होते हैं, ये एक्चुअल में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। तो सिंपली अगर बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपने अपने माता पिता से हमें क्या मिला है, कौन सा कैरेक्टर मिला है, इसी को तो हेरिडिटी कहेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्या, वेरिएशन। ठीक, आपको ये सब सिर्फ पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये हेरिडिटी क्या होता है, तो ट्रांसफर हेरिडिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कोई भी कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेरिडिटी।
जैसे समझने के लिए अगर बोला जाए तो आपके बॉडी का जो हाइट है वो आपका कैरेक्टर जो है वो आपके पेरेंट्स से आपको मिला है, आपका हेयर स्टाइल वो आपका पेरेंट्स से आपको कैरेक्टर मिला है, ठीक। हेयर स्टाइल आपके पेरेंट्स का कैरेक्टर है, उसी के थ्रू आया होगा कुछ है कैरेक्टर पेरेंट्स का। मान लो आपका बॉडी कलर है तो कुछ बॉडी कलर का कुछ कैरेक्टर आपके पापा से भी आए होंगे, कुछ कैरेक्टर मम्मी से भी आए होंगे, ये आगे देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। तो वही होता है, अब आता है क्या कि कैरेक्टर तो दे दिए, ठीक। अब तो कहोगे कि मम्मी पापा है तो मम्मी पापा तो सबको एक ही कैरेक्टर देंगे, अपने जितने भी बच्चे को देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है कैरेक्टर ऐसा। अच्छा ऐसा भी नहीं होता है कि मम्मी पापा बोलोगे सर पापा मुझे नहीं ज्यादा, मतलब कि मेरे भाई या मेरी बहन को ज्यादा लाइक करते हैं ज्यादा मानते हैं तो उसको ज्यादा अच्छा कैरेक्टर दिए होंगे और हम लोग को खराब दिए होंगे, ऐसा भी नहीं होता। क्यों? पेरेंट्स के ये हाथ में नहीं होता कि कौन कैरेक्टर देना है कौन कैरेक्टर देना नहीं है, ठीक। ऐसा तो होता नहीं, तो इसका मतलब कि पेरेंट्स को जब ये खुद ही पता नहीं कि कौन कैरेक्टर देना है कौन नहीं देना तो वो तो सारे बच्चे को अपना एक ही कैरेक्टर देंगे। तो कहता क्या है, मान लीजिए कोई एक कपल है या आप ही लोग होंगे, एक दो भाई बहन होंगे या मान लीजिए एक भाई एक बहन होंगे या लड़का लड़की होंगे कोई भी, तो दोनों के पेरेंट तो सेम होंगे, मम्मी पापा तो सेम होंगे, तो दोनों बच्चे को तो मम्मी पापा सेम ही कैरेक्टर दिए होंगे, सेम ही कैरेक्टर के। जैसे मान लीजिए कोई कोई भी ये फीमेल है या सपोज करो कि कोई गर्ल है, ठीक, और इधर कोई बॉय है, ठीक। तो ये गर्ल है और ये बॉय है और इसके पेरेंट दोनों के पेरेंट सेम है, हो सकता है लड़का लड़की भाई बहन है। अब बताओ ये पेरेंट तो इसको भी वही कैरेक्टर दिए होंगे, इसको भी वही दिए होंगे, सारा कैरेक्टर तो ऐसा नहीं कि इसको भी वही दिए होंगे, मगर फिर भी आप देखिएगा लड़का लड़की में बहुत डिफरेंस होगा, हो सकता है कलर का भी डिफरेंस हो सकता है हाइट का भी डिफरेंस हो सकता है आई कलर का डिफरेंस हो, हेयर स्टाइल का डिफरेंस हो, तो ऐसा कैसे हो गया जबकि पेरेंट तो सेम है, ठीक, पेरेंट तो सेम है। तो क्यों? उसी का नेक्स्ट आता है क्या, वेरिएशन। अब कहता क्या है कि दो इंडिविजुअल जिसका स्पेसिस सेम होगा, याद रखना है सेम स्पेसिस के दो इंडिविजुअल के बीच में जो भी डिफरेंसेस होता है उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन, ठीक। तो याद रखना है सेम स्पेसिस, यहाँ पे एक वर्ड है जो ध्यान में आपको रखना है कि सेम स्पेसिस के इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस अमंग द सेम इंडिविजुअल, ठीक है, सेम इंडिविजुअल सेम स्पेसिस, ठीक है, डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसिस, ठीक है। तो अब जैसे सिंपली बात है, अगर आप लोग हैं, अगर मान लीजिए कि आप लड़के हैं तो आप अपने घर में ही आपका भाई होगा तो आप अपने भाई, मतलब स्पेसिस सेम कहने का मतलब अगर आप इंसान हो तो दूसरे सामने बगल में भी इंसान को ही खड़ा करो और दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखो कि क्या डिफरेंसेस है। अब बगल में खुद भी हो, ठीक, मान लो कि खुद हो, अगर अपने आप को एक खड़ा कर लो, ठीक, अब बगल में उसके बाद गधा घोड़ा कुछ को भी खड़ा कर लोगे तो क्योंकि यहाँ इंसान है ये स्पेसिस अलग है, तो जब स्पेसिस अलग कीजिएगा तो डिफरेंसेस ज्यादा आएगा, उसे हम लोग वेरिएशन नहीं कहेंगे, याद रखना। एक गधे और एक घोड़े के बीच में अगर आप डिफरेंसेस खोज रहे हो तो उसे वेरिएशन नहीं करते, वेरिएशन के लिए दो गधे के बीच में या दो घोड़े के बीच में या दो इंसान के बीच में ही होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेरिएशंस के बाद आते हैं कुछ और भी चीजें इसमें कंडीशंस हैं, चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है क्या, इसके बाद इसमें आता है होमोजाइगस, होमोजाइगस और एक होता है हेटरोजाइगस। ये आपको पता होना चाहिए, देखो होमोजाइगस और हेटरोजाइगस का मतलब क्या है यहाँ पे और यहाँ समझना है होमो हेटरो का मतलब क्या है। हमारे बॉडी में कोई भी हमारे बॉडी में, ठीक है, वो किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए दो जीन होते हैं, दो जीन होते हैं, याद रखना अभी दो जीन होते हैं, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर के लिए दो जीन होंगे और वो दोनों जीन सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो होमोजाइगस का मतलब क्या समझ लेना है, होमो होमो का मतलब सेम, हेटरो का मतलब डिफरेंट, यानी जिसके बॉडी में दोनों जीन अगर सेम हो जाए, आप सिंपली याद रखो ऐसे, ठीक, अगर दोनों जीन सेम हो जाए, ठीक है, दोनों जीन सेम हो जाए, याद रखना आपके बॉडी में किसी भी कैरेक्टर के लिए, अगर हाइट का भी कैरेक्टर है तो आपके बॉडी में दो जीन होगा, एक एक दो जीन का मतलब क्या है, एक जीन आया होगा फादर से और एक जीन आया होगा मदर से, तभी तो आपके बॉडी में पेयर बना। तो देखो अगर कहता है क्या कि किसी इंसान के बॉडी में अगर दोनों जीन सेम होता है, मतलब जो फादर से मिला वही मदर से मिल गया, तो उस इंडिविजुअल को हम लोग कहेंगे होमोजाइगस। देखो यहाँ पे क्या टी टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कुछ भी हो, जब दोनों जीन अगर सेम दिख जाए तो हम कहेंगे होमोजाइगस।
होमोजाइगस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। नेक्स्ट आइए हेटरोजाइगस, इसे हम लोग इम्प्योर भी बोलते हैं या हाइब्रिड भी बोलेंगे, हाइब्रिड भी बोलेंगे, हाइब्रिड भी बोलेंगे। क्या हाइब्रिड, देखो एक मिनट, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ क्या आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अब आपको तो देखो क्लियरली मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है यहाँ पे। ठीक, आपके बॉडी में मान लो आपके बॉडी में क्रोमोजोम पेयर पे होता है तो जीन भी होगा। मान लो कि क्रोमोजोम है आपके बॉडी में 22 पेयर है। देखो अगर हाइट के लिए, उतना पीछे मत जाओ, अब देखो हाइट के लिए आपके बॉडी में आप जानते हो कि T4 होता है टॉल और छोटा टी का मतलब होता है ड्वार्फ, आप जानते हो। ठीक, अगर किसी इंसान में मान लो 2T आ गया, ठीक, किसी इंसान के बॉडी में 2T है, मतलब दोनों के दोनों कैसा जीन है, ये भी जीन है क्या, ये जीन लिख रहे हैं, ठीक है, मगर ये कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये भी जीन उस इंसान को कहेगा लंबा कर देंगे, ये भी कहेगा लंबा कर देंगे, तो ये ओवरऑल इंसान क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मगर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, एक कह रहा है जीन के हम लंबा करेंगे, एक जीन बोल रहा है हम छोटा करेंगे, जाहिर बात है उतनी हाइट नहीं बढ़ेगी। अब ऐसा हो गया तो इस केस में क्या होगा, ये जीन कहेगा कि हम छोटा करेंगे, ड्वार्फ का मतलब नाटा, ये भी कह रहा है कि नाटा करेंगे। अब समझ सकते हो आपके बॉडी में कोई भी कैरेक्टर दो जीन कंट्रोल करता है, ठीक, अब दोनों जीन कह रहा है कि हम नाटा करेंगे, आपका जाहिर बात है हार्ट नाटा हो जाएगा। अब इस वाले में देखो एक कह रहा है कि हम लंबा करेंगे, एक कह रहा है नाटा करेंगे, जाहिर बात है उतनी ना कम होगा ना ज्यादा, और यहाँ क्या है दोनों जीन कह रहा है कि लंबा करेंगे, ठीक, तो समझ सकते हो इसका हाइट बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक जीन, आप याद रखना एक फादर से आया होगा और ये क्या आया होगा मदर से, कोई भी, अब ऐसा जीन नहीं, ये भी मदर से आ सकता है ये भी, यानी आपके बॉडी में अगर इस कंडीशन में है तो कोई एक कैपिटल टी फादर मदर में से कोई दिया होगा, एक छोटा दिया होगा, यहाँ भी ऐसा ही। तो यही बात हम लोग आपको समझा रहे हैं कि आपके बॉडी में कोई भी कैरेक्टर को लेकर दो जीन है और वो दोनों जीन एक फादर से और एक मदर से आया है। अब अगर दोनों जीन अगर सेम हुआ, आइडेंटिकल हुआ, तो हम कहेंगे कि वो होमोजाइगस से प्योर फॉर्म है, और अगर हेटरोजाइगस हुआ, हेटरोजाइगस का मतलब क्या हुआ, एक दोनों जीन डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि टी, ये याद रखना टी दोनों के दोनों, जैसे यहां हम लोग लिखे आर आर, जेनेटिक्स में यही सब यूज होता है, ठीक है, यही होता है। देखो ये कैपिटल है ये स्मॉल है, दोनों डिफरेंट है, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, ये कैपिटल है स्मॉल है। अच्छा किसी को ऐसा लिख लग रहा है कि अगर सर हम ऐसा लिख देंगे तो क्या कुछ दिक्कत है, अगर ऐसा लिख दें तो किसी को दिक्कत है, ऐसा लिख दें तो किसी को दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हेटरोजाइगस समझ में आया, हेटरोजाइगस का सॉरी हेटरोजाइगस समझ में आया कि क्या करेंगे हेटरोजाइगस के लिए, ठीक है, यही हेटरोजाइगस, दोनों जीन अगर डिफरेंट हो जाए तो हेटरोजाइगस, उसी को इम्प्योर उसी को हाइब्रिड कहते हैं, दोनों जीन सेम हो जाए क्या कहेंगे, प्योर कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात डोमिनेंट और रिसेसिव की करेंगे, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की बात करेंगे। देखो डोमिनेंट जीन किसे कहते हैं, डोमिनेंट जीन, और एक होता है नेक्स्ट वन इज रिसेसिव जी, ठीक है। देखो पहचानने के लिए आप सिंपली समझ जाओ, देखो डोमिनेंट जीन हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं, कैपिटल लेटर का जो भी वर्ड होगा वो सब डोमिनेंट होगा, और स्मॉल लेटर में जो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो सब के सब रिसेसिव जीन होता है। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, नाम से क्लियर हो रहा है। डोमिनेंट देखो कहते हैं ना डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हो प्रभावशाली, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो, ठीक। जैसे अगर हम लोग सिंपल अगर कहा जाए कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक पीएम है और एक सीएम है, तो बताओ यहाँ पे प्रभाव किसका ज्यादा होगा, पावर कह सकते हो किसका होगा, पीएम का, तो हम कहेंगे पीएम इज डोमिनेंट किसके ऊपर, सीएम के, तो सीएम क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो बस सिंपली कहने का मतलब क्या है, अब देखो पीएम रहेंगे और सीएम रहेंगे, तो पीएम क्या करेंगे, सीएम के कैरेक्टर को सप्रेस करेंगे और अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, तो यही होता है डोमिनेंट और रिसेसिव। देखो डोमिनेंट के लिए हेटरोजाइगस वर्ड यूज करना, कभी भी होमोजाइगस वर्ड मत यूज करना, ठीक, हेटरोजाइगस। तो कहता क्या है डोमिनेंट के लिए, इन हेटरो कंडीशन, इन हेटरोजाइगस, अब हेटरोजाइगस अभी जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं, हेटरोजाइगस का मतलब क्या होता है, दोनों जीन डिफरेंट होता है, ठीक,
ठीक। अब हेटरोजाइगस का मतलब जैसे यही ना था हेटरोजाइगस, तो कहता है क्या इन हेटरोजाइगस कंडीशन अगर जिस जीन का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसे हम लोग कहेंगे डोमिनेंट जीन, और जिसका कैरेक्टर सप्रेस होगा उसे हम लोग कहेंगे रिसेसिव जीन। तो हम जानते हैं कि देखो डोमिनेंट जीन कैसे रखेंगे कैपिटल लेटर, तो यहाँ किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा कैपिटल टी का, और कैपिटल टी क्या बताता है आपको, कैपिटल टी क्या बताता है टॉल, तो हम कहेंगे कि ये टॉल करेंगे यानी ये डोमिनेंट है, और ये चाहता क्या था छोटा टी क्या चाहता था ड्वार्फ। ठीक, तो बताओ ये कह रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे नाटक करना है, और ये बोल रहा है कि मुझे क्या करना है बताइए, ये कह रहा है कि मुझे हाइट बढ़ाना है, सोच समझ लो इसी तरह से, ये आपके घर में पापा है और ये आप खुद हो, आप बोल रहे हो कोई काम को लेकर और पापा अगर बोल रहे हैं कुछ अगेंस्ट काम को लेकर, ठीक, तो बात किसकी चलेगी वो आप समझ सकते हो कि क्या चलेगा। तो यहाँ वही बात है कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी अपना क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, बोलेगा कि नहीं हम चाहते हैं टॉल करना तो टॉल ही होगा, और ये चाहता था ड्वार्फ, ये ड्वार्फ नहीं कर पाएगा। ठीक, तो डोमिनेंट जीन हमेशा हेटरोजाइगस कंडीशन में ही शो करता है, किसी भी जिस जीन का अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसे डोमिनेंट जीन कहेंगे। अब अगर किसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो किसी का सप्रेस भी तो हो रहा होगा, जिसका एक्सप्रेस होगा उसे डोमिनेंट, जिसका सप्रेस होगा तो उसे रिसेसिव। तो समझ में आ रहा होगा कि हेटरोजाइगस कंडीशन में क्या हुआ, डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से आप पहचान लोगे, वो इसी तरह से रिसेसिव में भी है। रिसेसिव में भी कहता है कि इन हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, रिसेसिव जीन के लिए जिसका कैरेक्टर सप्रेस होगा उसे रिसेसिव जीन कहेंगे, और हेटरोजाइगस में जिसका कैरेक्टर सप्रेस होगा, देखो ना हेटरोजाइगस में यही था ना, अब किसका कैरेक्टर किसका सप्रेस होगा छोटा वाला टी का, जिसका कैरेक्टर सप्रेस होता है उसे रिसेसिव जीन कहते हैं, और जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट जीन कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से करेंगे, ठीक है, आराम से पहचान सकते हो। जैसे एक एग्जांपल देखो, बताओ इसमें रिसेसिव जीन कौन है, देखो बता रहा है, देखो छोटा ए रिसेसिव जीन है और कैपिटल ए कौन सा है डोमिनेंट जीन है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से दे दे कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आप जानते हो कि कैपिटल आर इज डोमिनेंट स्मॉल आर इज रिसेसिव, आ रही बात समझ में। तो बस यही था डोमिनेंट और रिसेसिव का, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में डोमिनेंट जीन क्या होता है रिसेसिव जीन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गैमेट फॉर्मेशन करेंगे, और गैमेट फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज पूरी तरह से प्रिपेयर रहिएगा क्लास के लिए, और अच्छे से देखना है वीडियो, आपको सारा चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।